सिस्टम में रहने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं वोट हूं और आप बस एक नोट। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। साहब, तुम्हारी हर बात भाभी से शुरू होके भाभी पर खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसे क्या देखे जा रही है, क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं। मेरी बात मानेगा? यूं हर टाइम ना भाभी की फिक्र नहीं किया कर, कुछ अपने बारे में सोचा कर, अपनी बीवी के बारे में सोचा कर, गौर कर मेरी बात में। हाँ भाई, एक चाय मलाई मार्केट और दो बाकर खानी साथ। हाँ बुआ, कैसी हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं सुल्तान तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, जब बुआ वो मुझे तुम्हें खर्चा देने के लिए आना था ना, तो मैं आ नहीं सकी। हाँ क्या सुल्तान आया था, दे गया था? अच्छा, मुझे पता ही नहीं। हाँ क्या बात है भाई। हाँ, दो दो चक्कर लगा रहा है हफ्ते में, देख लो अब तो लगाएगा ना। परवीन जो आ गई है, देख लो बुआ, जरा ख्याल से, एहतियात से, पुरानी मोहब्बत है, कहीं दोबारा ना जाग जाए उन दोनों की। इसलिए तो कह रही हूँ, तुम्हारी याशी है भाई, उस परवीन के चक्कर में तुम्हारे लिए बड़े तोहफे तहाइफ आ रहे हैं। हाँ करो मजे तुम। सोनिया, ओ सोनिया, जी ये कूड़ा छोड़ दिया तुमने, सफाई नहीं की, और ये ट्रे तो उठाओ। खाने में क्या बना रही हो? कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कल का सालन पड़ा, वही खा लीजिएगा। हाँ कल का बना ही खा लेंगे, उसमें क्या है। ऐसे करना, अपना खाना भी ना मेरे कमरे में ले आ, साथ ही खा लेंगे। मुझसे अकेले खाया नहीं जाता, और सुल्तान ने भी यही कहा है कि सोनिया अब आपके साथ ही खाना खाएगी। अब उसका इंतजार करने ना बैठ जाना। हाँ 9 बजे ले आना। भाभी क्या सोच रही हैं, क्या बात है? भाई अभी तक नहीं आए ना, रात भी फैल गई है। बैठा होगा वही चहेती के पास,
बुआ के घर पे। कौन, किसकी बात कर रहे हो? बात पूछू रानी, सच सच जवाब दोगी? मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, पूछे। बहुत मोहब्बत करता था सुल्तान परवीन से, बोलो रानी, बताओ। करते तो थे, बहुत ज्यादा। वो मुझे बहुत जहर लगती थी, बहुत मकार थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसने सुल्तान को छोड़ा क्यों? पता नहीं, फिर से आ गई उसकी जिंदगी। सुल्तान को देखो, उसकी बेवफाई भुलाकर दोबारा उसके पीछे मजनू बना फिर रहा है। लेकिन वो मुझे नहीं जानता, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता, परवीन की तो शादी हो गई है। मुझे लगता है भाई आ गए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं जरा भाभी को सलाम कराता हूँ। भाई, बड़ी भाभी तो अपनी सहेली सफूरा आपा के घर गई हुई है। अच्छा, चलो फिर। आ गई घर की याद? हाँ, काम ज्यादा था, देर हो गई। ये आजकल काम कुछ ज्यादा ही नहीं होने लग गया? हाँ, कुछ ऐसे ही है। भाभी बता कर गई है, कब तक आएंगी? इस घर में भाभी के अलावा भी और लोग हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम लड़ने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हो? हाँ, क्योंकि मैं लड़ाका हूं, लड़ने झगड़ने की आदत है मुझे। ये सारे जमाने की बुराइयां तुम्हें मुझमें क्यों नजर आने लगी हैं? हाँ, सब समझ रही हूं मैं सब जानती हूं, और तुम जो सोच रहे हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। क्या हो गया, पागल वागल तो नहीं हो गई हो? यही तो कसर रह गई थी। कह दो पागल मुझे, बल्कि साबित भी कर दो ना, फिर तो आसानी से जान छूट जाएगी मुझसे। ज्यादा ना मेरा दिमाग नहीं खराब करो। सारा दिन का थका हुआ आता हूँ घर में आराम करने के लिए, और तुम्हारी जैसी औरतें होती ना घर में, आराम भी नहीं करने देती है। सब समझ रही हूँ, मैं सब जानती हूँ कि मुझ में अचानक से तुम्हें इतनी बुराइयां कैसे नजर आने लगी है। चलो बाहर, मैं कह रहा हूं ना, बाहर जाओ। चलो
जरा भी परवाह नहीं रही इसे मेरी। इसे जाने को कह दिया, क्या वो शनास खड़ी क्यों गई? बैठो ना। बस वो देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, मुझे जाना है। अंधेरा? अंधेरा कहाँ? मेरी निगाह से देखो तो इस कमरे में चांदनी चांदनी भरी हुई। बातें खूब बना लेते। तो गलत तो नहीं कहा मैंने? कसम से शनास, तुम जैसी हसीन और खूबसूरत औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत और हसीन होती। मैं आता हूँ। क्या कह रहा था तुम्हारा दीवाना? कुछ नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ, रुके क्या हो? अरे क्या हो गया है, रुको मैं अशरफ को बोलती हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। कोई जरूरत नहीं है, साथ तो घर। अरे इधर बैठो, चाय चढ़ा के आई हूँ, पी के जाना, अभी लेके आती हूँ। हाँ सर्विस करा लेना इसकी, टायर जायर भी दिखा लेना, लंबे रोड पे जाना है। भाभी? हाँ भाभी। हाँ सुल्तान, कैसे हो, मसरूफ तो नहीं थे? हाँ बस दो मिनट। हाँ चल तू निकल, जल्दी वापस आना। हाँ भाभी सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। वो असल में ना बुआ आई हुई थी, वो तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। हाँ तो कैसी है बुआ? बिल्कुल ठीक है, बहुत दुआएं दे रही थी तुम्हें, याद कर रही थी। हाँ तो लगाऊंगा ना चक्कर बुआ की तरफ? हाँ हाँ जरूर बुआ की तरफ चक्कर लगाना। कब लगाओगे चक्कर? भाभी आज तो अड्डे पर काम बहुत ज्यादा है, एक दो दिन में जाता हूँ उनको सलाम करने। हाँ हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, जरूर जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वो सुल्तान आज देर से घर आएगा, अब मेरे जो कपड़े हैं ना कमरे से ले लो, वो भी धो देना। देख लो बुआ जरा ख्याल से, एहतियात से, पुरानी मोहब्बत है, कहीं दोबारा ना जाग जाए उन दोनों की। क्या कह रही हैं आप, कहीं जा रही हैं? हाँ जा रही, और जब चली जाऊं तो अपने भाई को फोन करके बता दें, खुश हो जाएगा। अफ़ल्ला, इतना गुस्सा क्या हुआ है, क्या बात है? मेरा गुस्सा किसी का क्या बिगाड़ता है, खुद अपना ही खून जला रही हूं। इस घर में किसको परवाह है मेरी, किसी को नहीं। अच्छा आप छोड़िए, मुझे बताएं क्या बात है, बताएं क्या बात है। धोखा दिया तुम्हारे भाई ने मुझे, सुन रही हो? शक्ल से कितना सीधा साधा मासूम शरीफ इंसान लगता है, अंदर से धोखेबाज। सुल्तान भाई? नहीं नहीं आपको गलतफहमी हुई होगी, ऐसे नहीं है। पुरानी मोहब्बत जाग उठी उसकी, भूल गया कि एक बीवी है उसकी, शादी हो चुकी है, अब सब भूल गया। मैं आपसे फिर वही बात कहूंगी भाभी, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो
परवीन की बातों में क्यों आएंगे बताएं मुझे। अच्छा बड़ा यकीन है तुम्हें अपने भाई की पारसाई पे। देखो देखो ये अंगूठी, मैंने खुद भाभी को फोन पे बात करते हुए सुना है कि सुल्तान परवीन को शॉपिंग पर लेकर गया, ये अंगूठी गलती से उसकी जेब में रह गई। क्या क्या नसीब है मेरा, बंदा भी वो मिला जो अपने दिल में किसी और को बसाए बैठा है। ऐसे ना जाए, ऐसे ना जाए भाभी, आप भाई से बात करें एक दफा। आप ऐसे चली गई तो बड़ी भाभी बहुत खुश होंगी, वो तो यही चाहती थी ना, यही चाहती है वो। आप बच जाए, अब एक दफा भाई से बात कर लें एक दफा। आप इधर आए, इधर आराम से बैठे यहाँ पर, वो आप कहीं नहीं जा रही। एक शर्त पर आऊंगी मैं भाभी। अरे ये क्या तरीका भाई, मुंह उठा के चली आ रही हो तुम कमरे में इस तरह, दरवाजा तो खटखटा लो, कोई तमीज नहीं है तुम्हें, क्या बात है? वो कपड़े धोने वाले पड़े हुए तो आप दे दे। और वो महारानी वो क्या कर रही है? छोटी भाभी की तबीयत बहुत खराब। तबीयत नहीं उसकी नीयत खराब है, काम शुभ नहीं देने मैंने, जाओ जाओ। और सुनो कुछ तमीज सीखो, दरवाजा खटखटा कर आते हैं हाँ, अब जाओ। इसकी तबीयत तो मैं ठीक कर दूं। हाँ भाभी। हाँ सुल्तान, तुम मसरूफ तो नहीं थे, एक छोटा सा काम था। नहीं नहीं भाभी बोलो क्या काम है। वो मुझे बुआ की तरफ जाना था, उनको कुछ खर्चा देना था लेकिन मैं जा नहीं सकी। तुम्हें तकलीफ तो होगी लेकिन अगर तुम वहाँ से होते हुए पैसे देते हुए आओ तो। नहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, ले आऊंगा मैं, मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इंतजार कर रहा वो कहा। रानी, ओ रानी, रानी। जी भाभी। ये ले पकड़, इसलिए करके दे जल्दी से। ये कपड़े आपको अभी चाहिए? नहीं 200 साल के बाद चाहिए, जाहिर है अभी चाहिए। जाओ 5 मिनट में करके लाओ, सब छोड़ दो, अभी चाहिए। जी काम चोर कहीं की, जो देर हो रही है। आज फिर लेट गया होगा फिर से उसी चुड़ैल के पास। मैं क्या करूं, आखिर मेरा कसूर क्या, मुझे किस बात की सजा दे रहा? भाभी क्या बात है? भाभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, परेशान नहीं हूं, बहुत सख्त जान हुई है। आपको तो बुखार है, मैं आपके लिए अभी दवा लाती हूँ। सुन रानी, सुल्तान को कुछ मत बताना, मैं उसके आगे कमजोर नहीं पड़ना चाहती। दवा लाती हूँ मैं आपके लिए।
भाभी। हाँ आओ आओ। अरे आज बड़ी देर कर दी तुमने, मैं तो परेशान हो गई थी, तुम्हें फोन ही करने वाली। भूल गई, खुद ही तो भेजा था बुआ की तरह। हाँ हाँ हाँ, कौन कौन था वहां पे? बुआ अकेली थी, वो चाची भी घर पर नहीं था। अब वो आए ना घर पर तो समझाना उसको कि वो बुआ का ख्याल रखा करे। हाँ हाँ कहूंगी मैं उससे, बहुत लापरवाह हो गया है। वो रोटी खा ली? बस कल का सालन पड़ा हुआ था बस। आज तो सोनिया ने खाना ही नहीं बनाया, वो इरफान का फोन आ जाए तो उसको होश ही नहीं रहती है। बात ना सुने तो समझाया करो, डांट डपट भी कर लिया करो, तुम घर की बड़ी हो। मुझे डर लगता है, मैं नहीं कह सकती, उस बुरा लग गया, कुछ कह दिया उसने आगे से तो खामखा। ठीक है मैं बात करूं। ऐसे तुम्हारी बड़ी सुन लेगी, मुकर जाएगी, साफ कह देगी मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे। नहीं मैं तो ये कहना चाह रहा था कि उसको अपने काम याद होने चाहिए। वो मैं क्या, उसका भाई रहता है उसका वहां पर, बात तो करेगी ना वो, मना तो नहीं कर सकता। आराम करो। सुनो हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ तुम। भाई से बात करती है, पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया इसकी बीवी ने, बड़ा यकीन है उस पर। मुझे रानी ने बताया सोनिया कि तुम्हें बुखार है और तुमने दवाई भी नहीं ली। हाँ ले ली है मैंने दवाई, अब बेहतर है। शहजाद कैसा है? उसकी फिक्र मत करो, वो ठीक है, हमारे साथ खुश है, तुम बस अपना ख्याल रखो। अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ इरफान, अल्लाह हाफिज़। ओके खुदा हाफिज़। तो बंद क्यों कर दिया, करो बात है। काफी जल्दी नहीं आ गए, काम पर तो सुबह जाना है, पूरी रात बाकी है, गुजार कर आते। हाँ ताकि तुम अपने सारे कामों से जान छुड़वा कर खून में लगी रहो, है ना? मैंने कौन से कामों से जान छुड़वाई है? तुम्हें नहीं पता, अब बोलो कि झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं तुम पर, है ना? मैं क्या झूठ बोलूंगी, झूठ बोलते हैं रयाकारी करने वाले, फरेबी, दगाबाज। मैं फरेबी और दगाबाज नहीं हूं, समझ आई है? बताओगे भी कहां से आ रहे हो? बुआ के घर गया था। क्या आजकल बुआ के घर आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा तुम्हारा? क्या मतलब? वाह, अब मतलब भी मैं ही समझाऊं तुम्हें। एक काम क्यों नहीं करते, ये रोज आने जाने से बेहतर है उनके घर में बिस्तर क्यों लगा लेते? क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रही हूं? हाँ। दो घड़ी तो चैन से आकर बैठ जाऊं, यहां घर आया नहीं वहां तुम शुरू हो गई, पागल बना दिया है मुझे। मैं जानती हूं मैं ही तुम्हें बुरी लगूंगी क्योंकि तुम्हारी नीयत जो खराब हो गई है। ये देखो मेरे जुड़े हाथ, ये देखो, और जाओ यहां से, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। इससे पहले कि मैं पूरा पागल हो जाऊं, आज जाओ और रानी के कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह तक अपनी शक्ल नहीं दिखाना। भाभी बिल्कुल सही कहती, तुम्हें कोई बात समझा ही नहीं सकता है। इस घर में सब मेरे खिलाफ है, मैं जानती हूं ये बात, सब तुम्हें भड़काने वाले और तुम सबकी सुनने वाले, उन सब पे ईमान लाने वाले, मेरा तो मजा नहीं आते से। अल्लाह भाभी आपका तो बुखार नहीं उतरा, क्या करूं मैं? क्यों फिक्र कर रही हो,
इससे ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगी। भाभी तुम्हारे भाई को छुटकारा मिल जाएगा। कैसी बातें कर रही, कुछ गलत नहीं कह रही, उसकी बातों से दिल दुखा है मेरा। भाभी आप रोए मत, उससे आपको और तेज बुखार हो जाएगा, मत रोए। भाभी मुझे लगता है इरफान भाई आ गए, मैं भी आती हूँ दुआ लेके। आज फिर बुआ के घर, और कोई शर्मिंदगी भी नहीं, कैसे अकड़ के बता के गया मुझे। सोनिया की तबीयत कैसी है अब? तबीयत बहुत खराब है, मैं बहुत परेशान थी इसलिए मैंने आपको फोन किया। नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा तो महारानी को बुखार है, और वो दूसरी को देखो, सोनिया के चक्कर में, उसकी तिमारदारी के चक्कर में छुट्टी करके बैठी है। दफा करो मुझे क्या। ए लड़की, क्या आज धंधा वंदा नहीं करना है, पेन वेन नहीं बेचने है क्या? हाँ नहीं बेचने पेन, तुझे क्या मसला है, जा यहाँ से शक्ल गुम कर अपनी। ओहो आज तो बड़े नखरे दिखा रही है। हाँ दिखा रही हूँ नखरे, तुझे क्या मसला है, बोला ना जा यहाँ से, चल। क्या पड़ा, क्या हो गया भाई, सुना नहीं इसने क्या कहा है, चल जा यहाँ से। अरे जाना यार, जा। क्या हुआ है, क्या बात है? कुछ नहीं साहब। मुझसे भी छुपाएगी क्या? उस रेशमा का दिमाग खराब हो गया है, औकात भूलती जा रही है अपनी, बस इतनी सी बात है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तो मुझे समझाना भी नहीं है। तुम ये बताओ तुम ठीक हो, घर में सब ठीक है? सब ठीक है, बस मैं ही ठीक नहीं। वो मेरे दिल की बात सुन लेती है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है, ये बात बहुत बड़ी है मेरे लिए। लेकिन आज गिला हो गया तुझसे, मैं अपने दिल की बात नहीं बताई। क्या बताऊं साहब, रिश्ता आया है मेरा। अच्छा ये तो खुशी की बात है, कब हो रही है शादी, करता क्या है वो? हाँ बस वो बरादरी का ही है। मेरे साथ साथ चलती हो तो मुझे खुद पे रश्क आने लगता है, मगरूर होने लगता हूँ। हाय शनाज, कैसी किस्मत है तेरी, कोई ऐसा ना आया जिंदगी में जिसका साथ तुझे मगरूर बना ले। सुल्तान सलाम अलैकुम, आ ही रहा था। खाना खा के आए हो कि खाओगे? खाना नहीं, खाना तो नहीं खाया। लगता है मैं और तुम तो आज भूखे ही रहेंगे। अरे वो तुम्हारी चहेती की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर तबीयत खराब है तो इरफान को क्यों बुलाया, और फिर वो इरफान फटाफट आ गया इतनी जल्दी। अरे मैं तो हैरान रह गई कि कोई इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। फिर जब इरफान आ जाता है तो फिर सोनिया को होश ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता उसे किसी चीज का। तो भाई तैयारी कर लो, हम तो भूखे रहेंगे आज।
लेकिन मैं कुछ खराब थी, मुझे फोन कर दिया होता, ले आता दवाई। तुम्हें मेरे जीने मरने से क्या दिलचस्पी? तुम मेरे लिए दवाइयां लेकर आते तो क्या उसे दिलचस्पी है जो दवाई लाया था? सीधी बात का उल्टा जवाब, खुद का भी दिमाग खराब है, मेरा भी करती हो। जब दूसरों के दिमाग से सोचोगे और दूसरों की नजरों से देखोगे तो मुझमें कीड़े निकालोगे ना। जबान बंद, बहुत थका हुआ हूं, बहस नहीं चाहिए मुझे। मुझे भी शौक नहीं है। खाना खाओगे? नहीं। क्यों? खा के आए हो ना। मेरे हाथ का खाना भी नहीं पसंद अब तुम्हें? मेरे पास बैठने का शौक नहीं तो घर क्यों आए थे? तूने अच्छा नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे मार के, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, माफ नहीं करूंगा तुझे। क्या हुआ? प्यास लगी है, पानी नहीं है। पानी पी कर आता हूं, तुम सो जाओ। चले जाओ, उसे कहो चला जाए। भाभी, भी क्या हो गया? भी अभी क्या हुआ है? तुम डर क्यों रही हो? यहाँ पे कोई है? मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ पे। कहाँ? क्या? उसे कहो चला जाए। क्या सामने वहां तो कोई भी नहीं है। तुमने कोई ख्वाब देखा है क्या? भाभी अपना ख्याल करो, ख्वाब तो ख्वाब ही होता है ना। तुम फिक्र मत करो, डरो नहीं। नहीं, ख्वाब नहीं था। पानी, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं हूँ, यही हूँ, तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। तुम सो जाओ, तुम लेटो ना, सो जाओ आराम से, कोई भी नहीं है यहाँ पर, डरो नहीं, कोशिश तो करो। तुम यार होगे तो मुझे डर नहीं लगेगा, तुम जाना मत। तो मैं यही हूं ना, सो जाओ आराम से, मैं यही हूं। नाश्ता करके जाइएगा, मैं बना देती हूँ। नाश्ता अड्डे पर कर लूंगा, भाभी का ख्याल रखना। रात को तबीयत बहुत खराब थी। रात से तो मेरी भी तबीयत खराब थी। ये
मेरा तो कोई एहसास नहीं। ये तुम हर बात पे मुकाबलेबाजी पे क्यों आ जाती? तुम्हारे पास तो मैं हूं, उस बेचारी के पास कौन है? अकेली है, बिल्कुल अकेली। अच्छा, वो अकेली है और यहां बीमारी में रात भर अकेले मैंने रात गुजारी है, और मेरा शौहर? और एक बात, ना गलत सोचना ना भूलना, वरना लिहाज भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, अब मेरे बोलने पर भी पाबंदी लगा दो। वो मेरे लिए बहुत इज्जत की जगह है, एहतराम करता हूं मैं उनका, समझी?